अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद तो है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो अभी इस वक्त मेरे हाथ में है ये एक क्या आइसक्रीम, यू कैन कॉल इट। एंड आपको पता है किस चीज का है? ये है एप्रिकोट आइसक्रीम। सो मैं आप लोगों को बता दूं, ये है एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक एप्रिकोट आइसक्रीम, वी कैन कॉल इट, बिकॉज ये एक स्टिक पे है एंड इट्स शेप लुक्स लाइक एन आइसक्रीम, राइट। सो वेरी टेस्टी एंड वेरी क्रिस्पी। सो ये हमारी एक आंटी ने बनाया है एंड वो इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो में आप लोगों को यू नो एप्रिकॉट एंड कैरनल कुकीज दिखाया था। सो इसमें मैं आपको ये आइसक्रीम दिखा रही हूँ। सो इसको बनाने का प्रोसीजर भी वेरी सिंपल है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं इसका प्रोसीजर, तो मैं बता दूँ एडवांस में ही। इसको बनाने का, जैसे हम यू नो जो वेट एप्रिकोट्स होते हैं उनको हम ड्राई करने के लिए रखते हैं, तो ड्राई करते टाइम इसको इतना ड्राई होने नहीं देना है। एक नॉर्मल जब ड्राई हो जाएगा, आपको लगे कि हल्का सा ड्राई हो गया, तो इसके बाद आपने बहुत सारे जो एप्रिकोट्स होंगे उनको कलेक्ट करके एक शेप देना है, जैसा भी आपको चाहे। एंड देन उसके साथ साथ जो भी जो एप्रिकोट कर्नल्स होते हैं, यानी जो गिरी होती है, उस गिरी को यू नो क्रश करके इसमें स्प्रिंकल भी कर सकते हैं या इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे आपको वो क्रिस्पी, जैसे क्रंची आइसक्रीम्स होते हैं, वो वाली फील आ जाएगी। सो ये यू नो जब नॉर्मली बच्चे आइसक्रीम या बाकी जो ऐसी चीज़ें खाते हैं तो उनके हाथ भी गंदे हो जाते हैं, तो अभी ये स्टिक साथ में है तो गंदे भी नहीं होंगे एंड हेल्दी भी है साथ में। सो आई जस्ट लव्ड इट। एंड एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये मेरी अम्मी ने मुझे जम्मू से भेजा है एंड अम्मी को ऐसे यू नो आइसक्रीम काइंड ऑफ स्टफ्स या जैसे कुकीज मेरी आंटी ने जो कि जम्मू में है उन्होंने उनको दिया, तो अब मेरी अम्मी ने मेरे लिए भेजा है। सो थैंक यू सो मच मॉम फॉर दिस एंड आई लव्ड इट एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो सो दैट आप लोग भी अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं।